अभी आप बताओ, ब्रह्मांड में जाके बैठना चाहिए कि स्वर्ग में आना चाहते हो? भाई बताओ, सभी आना चाहते हो तो कुछ मिटाना पड़ेगा ना, कुछ कि सुनना है, कुछ करना चाहते हो करेंगे, कुछ नहीं करना, इतना सहज राजयोग है। सिर्फ एक ही दिन, आज दिन शुरू हो गया, आज रात को आप सोएंगे, देखना एक भी बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। एक ही दिन ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नंबर वन पवित्रता है, नंबर वन राजयोग है, कुछ नहीं करना, 24 घंटा काम करते रहो, घर में, खेती में जाओ, बिजनेस में जाओ, खाना बनाओ, बच्चों को संभालो, सब कुछ करते चलो, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है। क्या वो? कि आपके आंखों के सामने कोई भी आया, खाली हाथ जाना नहीं चाहिए, उसको कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, इतना ही, सवेरे से रात तक कितना कर सकते हो, दान करना, कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो क्या ज्ञान सुनाएंगे? माता जी क्या बोल रहे समझ में नहीं आता है भाषा, वो ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। दुआएं तो आपके पास है, आपके अंदर शुभ भावना है? नहीं, गुस्सा तो आता है, जहां गुस्सा आता है वहां शुभ नहीं है ना, अशुभ है। भावना क्रोध आता है, बुरे विचार आते हैं, तो वहां भावना हमारे स्वच्छ नहीं है। आप एक हीरा दे रहे हो मुझको, लेकिन हाथ काले हैं, हाथ काले हाथ से जो हीरा दे रहे हो तो काला होगा ना। आप तो दुआएं देना चाहते हो, दुआ अच्छी है, लेकिन आपका मन वो स्वच्छ है? नहीं, काला। काले मन से दुआ देंगे तो क्या होगा? काली दुआ होंगे ना। हीरा तो अच्छा है, लेकिन हाथ कैसे आपका? हम कहते दुआ देना चाहते हैं, नहीं दुआ भी नहीं। क्या है आपके पास? किसी के पास कुछ है तो बताओ। हाँ, खुश रखना चाहते हो आप, बिल्कुल, लेकिन सामने वाला गुस्सा करता है, रोज लड़ता है, झगड़ा करता है, आप उनके देख के खुश करेंगे उनको? हाँ, लेकिन खुशी देने के लिए ये भाई आपके माता जी सामने आती है, आप कहेंगे उसको मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते खुशी से मुस्कुराना है, लेकिन कल माता परेशान किया था, कल बहुत गुस्सा किया था, वो माता जी सामने आएंगी तो आप मुस्कुराएंगी? नहीं, ये कहने के लिए है। अगर पड़ोसी आपके बहुत रोज परेशान करते हैं और वो सामने आ जाए सवेरे उठते ही, तो आपका चेहरा मुस्कुराएगा? नहीं आया ना प्रश्न यहाँ आया, अगर आपके सामने कोई भी आया उसको खाली हाथ छोड़ना नहीं, दान देना है। लेकिन आपके पास क्या चीज है? हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं, दोनों हाथ खाली, जेब भी अंदर पाप भरा हुआ है, पुण्य आत्मा भी नहीं, कुछ देने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं, पाप ही भरा है ना। लेकिन हम किसके बच्चे हैं? पिताजी बाद में बैठा है, पिताजी के जेब में हाथ डाल सकते हैं ना, भगवान के बच्चे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कहते हमारे माँ बाप कौन? भगवान के बच्चे हैं, उनके जेब में हाथ डाल के दान कर सकते हैं ना। हाँ, भाई के जेब में हाथ नहीं डाल सकते हैं, वो कहता मेरा है, पिताजी की अमानत मेरी है, अधिकार है। तब कहा रास्ते पर चलो, घर में सवेरे उठते ही नंबर वन राजयोग, कुछ नहीं करना। सवेरे आंखें खुली, बच्चे, पति, माताएं सब सोए हुए हैं, आप जग गए, जगते ही आंखें खुलते ही शिव बाबा ये आपका बेटा है, मैं मेरा पति नहीं, ये आपका बेटा है, इनको सद्बुद्धि दे दो। शिव बाबा ये मेरा बेटा नहीं, ये आपका बच्चा है, इसको सद्बुद्धि दे दो, इसको सदा सुखी बनाओ, इसका कल्याण करो, बस इतना ही, कुछ नहीं करना, मुझे दे दो, मांगना नहीं, इनको दे दो। नंबर वन राजयोग, नंबर वन पवित्रता। क्या ब्रह्मचारी कहते हैं, लाखों ब्रह्मचारी है जंगल में, सत्युग में नहीं आएंगे। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पवित्रता क्या है, राज्यों क्या है? कुछ नहीं करना है, एक दिन सिर्फ, और वो भी सदा भी नहीं। सवेरे उठते ही आंखें खुली, देखो सब घर में सोए हैं, आप जग गए सवेरे जल्दी, जगते ही उनको देखते, ये पति बहुत गुस्सा करता है, शराब पीता है, तंबाकू खाता है, लड़ाई झगड़ा करता है, बच्चे पढ़ते नहीं है, मोबाइल देखते रहते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, बहू ऐसी है, सास ऐसी है, सब खराब है। आप अच्छे हैं ना, आपको भगवान को जानते हो ना, ज्ञान सुनते हैं ना, तो
तो उठ के भगवान को, अगर आपके पास भी कुछ नहीं है, आपका बाप मानेगा है ना, शिव बाबा ये आपका बेटा है, ये आपका संसार है, इनका कल्याण करो, इनको सद्बुद्धि दे दो, इनको सदा सुखी बनाओ, इनको शांति की शक्ति दे दो, इसमें कोई तकलीफ है? फिर बाहर आओ, बाहर आने के बाद सब्जी वाला आ रहा है, दूध वाला आ रहा है, और कोई आ रहा है, किसी को भी देखा, देखते शिव बाबा ये आपका बच्चा है, इनका कल्याण करो, इनको। कोई गरीब आया, कितना दिन खाना देंगे? भगवान शिव बाबा ये आपके बच्चे हैं, देखो आप कहते सबको सुख देते हो, अरे आपके बच्चे देखो भीख मांग रहे, भगवान के बच्चे लंगड़े अंधे बीमार, तो आप क्या करते हो? आप कहते मैं सबको सुख देता हूं, तो इनको कौन देगा? इनको सुख दे दो, मुझे दे दो, मांगना नहीं, इनको दे दो, सवेरे से रात तक।